नमस्कार दोस्तों, रणथंबोर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन डिटेक्शन लिखेंगे। पहले 60 से 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, उसके बाद में डिटेक्शन होगी बढ़ते क्रम में। अब दोस्तों, डिटेक्शन लिखने से पहले आप लोग इससे पहले दी गई क्लास को पूरा प्रॉपर देखें और उसमें दिए गए सभी शब्दों की प्रैक्टिस करें। उसके बाद में यदि आप डिटेक्शन लिखोगे तो आपसे डिटेक्शन आसानी से लिखी जाएगी और शब्द भी नहीं छूटेंगे, और शब्द को ट्रांसलेशन करते समय आराम से आप प्रॉपर ट्रांसलेशन कर पाओगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग पहले वीडियो देखें, उसके बाद में डिटेक्शन लिखोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो दोस्तों, डिटेक्शन स्टार्ट करते हैं 10 सेकेंड बाद। फाइव सेकेंड रेडी स्टार्ट। पुरातन काल में राजस्थान में एक न्यायिक प्रजापालक राजा हुआ। विराम। वह राजा जब किसी को दुख में देखता तो उसका दिल भर जाता था। विराम। राजा होने पर भी टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की बड़ी चिंता करता था। विराम। इन्हीं बातों से सारी प्रजा मन से उसको चाहती थी और उसके लिए जान देने को तैयार रहती थी। विराम। उसको अपने राज्य के काम की बड़ी चिंता थी। विराम। अच्छी तरह उसने समझ लिया कि यह बड़ा कठिन काम है। विराम। उसके एक ही रानी थी। विराम। वह बेचारी घर का सारा काम करती, खाना भी आप ही पकाती थी। विराम। एक दिन खाना पकाने में उसका हाथ जल गया। विराम। उसने राजा से डरते डरते दबती जबान से इतना कहा कि खाना पकाने के लिए नौकरानी होती तो अच्छा था। विराम। राजा ने कहा, रानी यह तो तुम जानती ही हो कि मैं किताबें लिख लिख कर और उन्हें बेचकर उसी से अपना पेट भरता हूँ। विराम। उसकी आमदनी इतनी भी नहीं है कि हम तुम अच्छी तरह से खा पी सकें। विराम। फिर नौकरानी कहाँ रख सकता हूँ। विराम। राज्य के खजाने में मेरा एक भी पैसा नहीं। विराम। यह तो प्रजा का माल है। विराम। जो आज उसमें से एक भी पैसा ले लूं तो कल भगवान को क्या जवाब दूंगा। विराम। जिस तरह से हो सके यह कष्ट सहो। विराम। भगवान तुमको इसका बदला देगा। विराम। पेरा चेंज। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोगों ने उनके पास जाकर उन्हें अपनी कठिनाइयां बताई है। विराम। क्या अधिकार होते हुए भी उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए था। विराम। जब उन्हें लोगों की कठिनाइयां दूर करने का अधिकार है तो उन्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। विराम। क्या उन्होंने कोई गलती की है। क्वेश्चनवाचक। सभा के सामने कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। क्वेश्चनवाचक।
यहां प्रस्तुत प्रमाण में तो केवल उन नामों की सूची ही है जिन्हें परमिट दिए गए हैं। दोस्तों, पहले बढ़ते क्रम में सेंटेंस के हिसाब से बोले जाएंगे तो उनको भी आप अच्छे से लिखें और कंटिन्यू लिखें, स्टॉप नहीं करें। 10 से 12 मिनट की डिटेक्शन होगी कंटिन्यू, तो उसको आप लिखोगे तो आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। रेडी स्टार्ट। पुरातन काल में राजस्थान में एक न्यायप्रिय प्रजापालक राजा हुआ। विराम। वह राजा जब किसी को दुख में देखता तो उसका दिल भर जाता था। विराम। राजा होने पर भी टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की बड़ी चिंता करता था। विराम। पुरातन काल में राजस्थान में एक न्यायप्रिय प्रजापालक राजा हुआ। विराम। वह राजा जब किसी को दुख में देखता तो उसका दिल भर जाता था। विराम। राजा होने पर भी टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की बड़ी चिंता करता था। विराम। इन्हीं बातों से सारी प्रजा मन से उसको चाहती थी और उसके लिए जान देने को तैयार रहती थी। विराम। उसको अपने राज्य के काम की बड़ी चिंता थी। विराम। अच्छी तरह उसने समझ लिया कि यह बड़ा कठिन काम है। विराम। उसके एक ही रानी थी। विराम। वह बेचारी घर का सारा काम करती, खाना भी आप ही पकाती थी। विराम। एक दिन खाना पकाने में उसका हाथ जल गया। विराम। उसने राजा से डरते डरते दबती जबान से इतना कहा कि खाना पकाने के लिए नौकरानी होती तो अच्छा था। विराम। राजा ने कहा, रानी यह तो तुम जानती ही हो कि मैं किताबें लिख लिख कर और उन्हें बेचकर उसी से अपना पेट भरता हूँ। विराम। पुरातन काल में राजस्थान में एक न्यायप्रिय प्रजापालक राजा हुआ। विराम। वह राजा जब किसी को दुख में देखता तो उसका दिल भर जाता था। विराम। राजा होने पर भी टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की बड़ी चिंता करता था। विराम। इन्हीं बातों से सारी प्रजा मन से उसको चाहती थी और उसके लिए जान देने को तैयार रहती थी। विराम। उसको अपने राज्य के काम की बड़ी चिंता थी। विराम। अच्छी तरह उसने समझ लिया कि यह बड़ा कठिन काम है। विराम। उसके एक ही रानी थी। विराम। वह बेचारी घर का सारा काम करती, खाना भी आप ही पकाती थी। विराम। एक दिन खाना पकाने में उसका हाथ जल गया। विराम। उसने राजा से डरते डरते दबती जबान से इतना कहा कि खाना पकाने के लिए नौकरानी होती तो अच्छा था। विराम। राजा ने कहा, रानी यह तो
तुम जानती ही हो कि मैं किताबें लिख लिख कर और उन्हें बेच कर उसी से अपना पेट भरता हूँ। विराम। उसकी आमदनी इतनी भी नहीं है कि हम तुम अच्छी तरह से खा पी सकें। विराम। फिर नौकरानी कहाँ रख सकता हूँ। विराम। राज्य के खजाने में मेरा एक भी पैसा नहीं। विराम। यह तो प्रजा का माल है। विराम। जो आज उसमें से एक भी पैसा ले लूं तो कल भगवान को क्या जवाब दूंगा। विराम। जिस तरह से हो सके यह कष्ट सहो। विराम। भगवान तुमको इसका बदला देगा। विराम। पैरा चेंज। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोगों ने उनके पास जाकर उन्हें अपनी कठिनाइयां बताई है। विराम। क्या अधिकार होते हुए भी उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए था। विराम। जब उन्होंने लोगों की कठिनाइयां दूर करने का अधिकार है तो उन्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या उन्होंने कोई गलती की है। प्रश्नवाचक। सभा के सामने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। प्रश्नवाचक। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोगों ने उनके पास जाकर उन्हें अपनी कठिनाइयां बताई है। विराम। क्या अधिकार होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं करना चाहिए था। विराम। जब उन्हें लोगों की कठिनाइयां दूर करने का अधिकार है तो उन्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। विराम। क्या उन्होंने कोई गलती की है। प्रश्नवाचक। सभा के सामने कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। प्रश्नवाचक। यहाँ प्रस्तुत प्रमाण में तो केवल उन नामों की सूची ही है जिन्हें परमिट दिए गए हैं। विराम। स्टॉप। दोस्तों डिटेक्शन आपने लिखी होगी तो बढ़ते क्रम में वाली डिटेक्शन को आप दो बार रिपीट करें जिससे आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। धन्यवाद।